हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सवाल के बारे में जो मुझे भेजा है मिस्टर अजहर ने। ये पूछते हैं कि ऐसी कौन सी दो ट्रैवल एक्सेसरीज होंगी जो 2020 में आप हमारे लिए रिकमेंड करना चाहेंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं दो एक्सेसरीज के बारे में। दोस्तों, अगर मैं याद करूं लास्ट 10 साल का टेन्योर, तो वहां पर जो ट्रैवलिंग थी वो बहुत कम थी, बट जैसे जैसे हम लोग 2020 की तरफ को आए हैं, हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इवन लोग बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करने लगे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जो हर वीकेंड कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं। हम नई जगह जा रहे हैं, हम नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हमें जरूरत पड़ती है कुछ ऐसे इजी टू यूज टूल्स की जो हमारी फोटोग्राफी में थोड़ी सी हेल्प कर सकें और जो हमारे बजट पे भी बहुत ज्यादा भारी ना हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे टूल्स के बारे में जो हमारे लिए हमारे बजट में भी आ सकते हैं, और अगर हम उनको साथ में रखते हैं तो हमारी फोटोग्राफी एक स्टेप लेवल अप हो सकती है। तो जिसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है इस ट्रिगर का। मैं कैनन का कैमरा यूज करता हूँ, तो मेरे पास कैनन का ट्रिगर है। इसी तरीके से आप निकॉन का ट्रिगर यूज कर सकते हैं, सोनी में भी पॉसिबली शायद इस टाइप का कोई ट्रिगर आता हो। इस ट्रिगर का फायदा ये है कि आप इसे रिमोटली अपने कैमरे को ट्रिगर कर सकते हैं। सो लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। मैं इस स्क्रीन को आपकी तरफ कर देता हूँ जिससे आपको पता चलता रहे कि मैंने जो फोटोग्राफ खींचा है उसमें क्या कैप्चर हुआ है। इस ट्रिगर को यूज करने के लिए सबसे पहले हम अपने कैमरे को रिमोट ड्राइव मोड में डाल देते हैं, जहां पर आप ये हर कैमरे में अलग अलग होता है। बेसिकली जहां पर हम ये देखते हैं कि हमारा सिंगल शॉट मल्टीपल शॉट का ऑप्शन होता है, वहीं पर आगे थोड़ा सा आगे जाने पर आपको ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको 10 सेकंड का टाइमर और उसके साथ साथ एक रिमोट का साइन बना हुआ होता है, वहां पर आपको इसे रखना है। या अगर आपके कैमरे में कोई और भी साइन है जिसमें रिमोट बना हुआ है तो वहां पर आप इसे रख सकते हैं, देन ये आपका कैमरा काम कर सकता है। तो हम इसको यूज करने के लिए मैंने अपना कैमरा रिमोट ड्राइव पर रख दिया और मैं इसे ट्रिगर करता हूं। अभी आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे कुछ आया है। बेसिकली ये एक सामने की वॉल है जो खाली है, तो उसके हिसाब से आपको इसमें कुछ नजर नहीं आएगा, बट यस, इससे ये काम ट्रिगर किया जा सकता है। इस तरीके से ये ट्रिगर आपके कैमरे को रिमोटली ट्रिगर करने का काम करता है। सो ये ट्रिगर आपके बहुत काम आ सकता है। इस ट्रिगर का जो मैं बेनिफिट लेता हूं, अगर मैं किसी सोलो ट्रिप पे हूं तो मैं अपने कैमरे को रिमोट ट्रिगर करने के लिए से यूज करता हूं, जहां पर मैं अपना फोटोग्राफ खींच सकता हूं, अपने आसपास के जो एनवायरमेंट है उसका फोटोग्राफ खींच सकता हूं। उसके लिए मुझे अपने कैमरे को एज ए सेल्फी कैमरा नहीं पकड़ना पड़ता, या फिर मुझे उसके लिए किसी दूसरे के हाथ नहीं लेनी पड़ती, मुझे साथ ही टाइमर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं इस छोटे से रिमोट ट्रिगर की हेल्प से अपने लिए अपना फोटोग्राफ कैप्चर कर लेता हूं। इसके अलावा आप इसे लाइट रेज बना सकते हैं, आप इसे स्टार्ट रेज बना सकते हैं, किसी भी ऐसे फंक्शन को यूज किया जा सकता है जहां पर आप स्लो शटर यूज कर रहे हैं। स्लो शटर का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आप अपने कैमरे को अगर अपने हाथ में लेके यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो हिल जाए, और हिलने की कंडीशन में आपका इमेज खराब हो सकता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए बेहतर है कि एक इस टाइप के रिमोट ट्रिगर यूज किया जाए। ये ट्रिगर बहुत ही सस्ता है, आपको लेस देन 1000 रुपीज में ये अवेलेबल है मार्केट में। और इस ट्रिगर में दो ऑप्शन है, जिसमें से एक है इंस्टेंट और दूसरा है 2 सेकंड के टाइमर के साथ। कई बार ये होता है कि जब हम लाइट ट्रेल कर रहे होते हैं या हम स्टार्ट ट्रेल कर रहे होते हैं तो हमें इंस्टेंटली शटर को एक्टिवेट करना है, तो उस टाइम पे हम इसका इंस्टेंट बटन यूज करेंगे। और अगर हमें ये लगता है कि जैसे मैं अपनी सेल्फी ले रहा हूँ या ऐसा कुछ है जहां पर थोड़ा सा मोशन रहेगा, जहां पर मुझे किसी जगह पे किसी पॉइंट पे जाके अपना एक पोज बनाना पड़ेगा, तो उस जगह पर मैं 2 सेकंड का टाइमर लगा सकता हूँ। जैसे कि मैंने अगर हाथ आगे बढ़ा के कोई रिमोट ट्रिगर किया हुआ है तो उसके बाद मैं अपनी नॉर्मल पोजिशन में आ सकता हूँ, तो उसके लिए आप 2 सेकंड के टाइमर को यूज कर सकते हैं। दूसरी जो एक्सेसरीज मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड इसलिए जरूरी है क्योंकि हम बहुत सारी जगहों पे जाने के बाद जब वापस आते हैं वहां से और देखते हैं कि हमारे जो फोटोग्राफ्स हैं वो थोड़ा सा हिल गए हैं, ऐसे फोटोग्राफ्स जिनमें फोकसिंग में थोड़ा सा इश्यू है, आपका जो फोकस है वो प्रॉपर नहीं है, शेकी इमेजेस हैं, तो ऐसी कंडीशन से अवॉइड करने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ ट्रैवलिंग के लिए कि आपके पास एक ट्राइपॉड होना चाहिए, और ट्राइपॉड कुछ ऐसा जिसको आप इजी टू ट्रैवल कर सको। यानी कि आप एक बहुत हैवी ट्राइपॉड लेके नहीं जा सकते, आप एक बहुत बड़े जो साइज में बड़ा हो ऐसे ट्राइपॉड को लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि आपके पास ऑलरेडी कुछ बैग्स हैं,
इनके अलावा अगर आप आपको उस ट्राइपॉड को भी कैरी करना पड़े जो कि काफी बड़ा है साइज में और बल्की है, तो वो एक बहुत ही बड़ा हैक्टिक हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कोशिश कर सकते हैं कि जो आपका ट्राइपॉड है वो छोटा से छोटा हो। जितना छोटा आपका ट्राइपॉड होगा और अगर वो स्टेडी है, अगर वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बना हुआ जैसे आजकल कार्बन फाइबर के बने हुए आ रहे हैं, तो इस टाइप के ट्राइपॉड आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। ट्राइपॉड की डिटेलिंग के लिए आप मेरा एक वीडियो जो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है ट्राइपॉड बाइंग गाइड, उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल दी हुई है कि जब आप ट्राइपॉड खरीद रहे हैं तो आप किन किन पॉइंट्स पर ध्यान दे सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो आपके ट्राइपॉड खरीदते टाइम आपकी हेल्प कर सकती हैं, तो उन सब चीजों के लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने 2020 के लिए किन्हीं दो एक्सेसरीज के बारे में बात की थी जो बहुत ज्यादा हमारे बजट पर भी भारी ना हो और हमारे लिए यूजफुल भी रहे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि मैंने नया क्या अपलोड किया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।